शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से प्रारंभ हुआ है। वहीं जिले में पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मंदिरों में भी फूल मालाओं और रंगीन लाइटों से सजाया गया है। SAF 17 बटालियन स्थित मां निरंजना देवी का प्राचीन 1962 में स्थापित मंदिर में मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं भक्तों ने बताया कि मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों की मां मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसके अलावा जिले में जगह जगह पंडालों में मां दुर्गा विराजी हैं। साथ ही कलश यात्रा के बाद भगवत कथा के आयोजन भी कराए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, ऐसी समस्त स्थानों में जगह चिन्हित कर ली गई हैं। थानों के स्तर पे और जिला स्तर पे जो शांति समिति की मीटिंग्स हैं वो ले ली गई हैं, उसमें आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहाँ पे भी मूर्ति पंडाल वगैरह स्थापित होते हैं वहाँ पे किस प्रकार से उनको रखना है, किस तरह से अग्निशमन से संबंधित व्यवस्थाएं रखनी है, कौन से लोग हैं जो वहाँ पे रहेंगे वॉलंटियर्स वगैरह, उसके साथ साथ ऐसी जगहों पर समस्त जगह पे जहाँ भी पुलिस बल की आवश्यकता है और प्रॉपर अन्य विभागों से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था करनी है, ये सारी चीजें जो है वो पुलिस और प्रशासन के माध्यम से की जाएंगी।